हेलो फ्रेंड्स, यहाँ एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल बाकी सारे ऑफिसर्स के साथ मिलकर कीरा इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहा था। आइजावा कहता है कि सारे सर्विलेंस कैमरास की फुटेज को चेक की जा चुकी है। रेलवे स्टेशन की फुटेज में एक FBI एजेंट की डेथ को भी कैप्चर किया गया है। तब एल कहता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ उसी एजेंट की फुटेज दिखाओ जब वो टिकट गेट से निकलकर ट्रेन में चढ़ा और अचानक से ही मर गया, यानी कि रे पेनबर। यहाँ पर मैत्सुरा कहता है कि रे पेनबर 3:11 पर शिंजुकु स्टेशन के गेट से एंटर हुआ था और 3:15 पर वह यामानोटे लाइन पर चढ़ गया था। यदि वह किसी को फॉलो कर रहा था तो यह अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होगा इस धुंधले कैमरा फुटेज से। ठीक 4:42 पर वह टोक्यो स्टेशन पर ट्रेन से उतरता है और प्लेटफॉर्म पर ही मर जाता है। वह एल कहता है कि यह काफी अजीब लग रहा है। इस फुटेज को देखकर तो कहा जा सकता है कि जब रे पेनबर ट्रेन में चढ़ा और मर गया इसके बीच उसने 1.5 घंटे ट्रेवल किया था, लेकिन यामानोटे लाइन को अपना चक्कर पूरा करने में सिर्फ 1 ही घंटा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है वह लिफाफा। तब आइजावा कहता है लिफाफा, कौन सा लिफाफा? तो वे लोग फुटेज चेक करते हैं जिसमें एंट्रेंस में रे पेनबर के हाथ में एक एनवेलप था, लेकिन उसकी डेथ के वक्त फुटेज में वह गायब था। चीफ बताता है कि सबूत इकट्ठा किया गया है लेकिन हमें वहाँ कोई भी एनवेलप नहीं मिला था। इसका मतलब है कि वह ट्रेन में ही कहीं रह गया होगा। यहाँ पर एल कहता है कि इस फुटेज के लास्ट मोमेंट पर ध्यान से देखें तो लगता है कि रे पेनबर बहुत ही ध्यान से ट्रेन में किसी को देख रहा है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर उसके सामने कीरा हो। तो चीफ कहता है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तब एल कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि कीरा उस जगह पर आने की रिस्क क्यों लेगा जब वो कहीं पर भी बैठे बैठे लोगों को मार सकता है। यह एक खतरनाक बात हो सकती है उसके लिए, लेकिन वह खतरा उठाकर भी उस जगह पर अगर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि यह उसकी जरूरत हो। उधर लाइट अपने रूम में बैठा डेथ नोट में कुछ नाम लिख रहा होता है। तब रियुक उससे पूछता है, बात है लाइट, तुम लगातार 4 दिन से डेथ नोट में क्रिमिनल्स का नाम लिख रहे हो और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इतने महीने आगे तक इतने सारे क्रिमिनल्स का नाम क्यों शेड्यूल किया है। तब लाइट कहता है कि मैं थोड़ा आगे ही सोच रहा हूँ, सोचो अगर किसी वजह से मुझे हद तो लोगों को पता होगा कि चीफ यागामी का बेटा हॉस्पिटलाइज है और इसी दौरान कीरा ने भी मारना क्यों बंद कर दिया है। अब लाइट रियुक से पूछता है कि यदि किसी विक्टिम की डेथ को किसी एक फिक्स टाइम के साथ डिस्क्राइब कर दिया जाए तो फिर मरने से पहले की कोई भी डेट काम करेगी ना। तब रियुक कहता है कि हाँ, यह काम करेगी। वैसे तो हम शिनिगामी को कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, मगर ऐसी डेथ नोट काम करेगी। उधर वातारी को उकिता का फोन आता है पुलिस हेडक्वार्टर से। वो कहता है कि उसे किसी खबरी का इम्पोर्टेंट फोन आया है। तब एल उसी कॉल को मैत्सुरा के फोन पर ट्रांसफर करके सुनता है। यहाँ पर उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रे पेनबर की फोन से नाओमी मिसोरा की डेथ हो गई है। एल कहता है कि यह नाम तो पहले भी शायद मैं सुन चुका हूँ। तो वातारी अपने कंप्यूटर पर उसे सर्च करता है और एल को दिखाता है। एल कहता है कि हाँ, यह वही नाओमी मिसोरा है जो लॉस एंजलिस में एक मर्डर केस पर हमारे साथ थी। अभी वो जापान में थी और उसके फियोंसे के मर्डर के बाद से ही वो गायब थी। तब मात्सुरा कहता है कि शायद वो अपने फियोंसे की मौत से डिप्रेस्ड रही होगी, लेकिन एल कहता है कि नहीं, नाओमी मिसोरा एक ब्रेव गर्ल थी और एक कमाल की FBI एजेंट थी। मेरे ख्याल से वह कीरा केस में कुछ जांच कर रही होगी, क्योंकि रे पेनबर को वो अच्छे से जानती थी तो जरूर उसे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए होंगे। यहाँ पर एल सोचता है कि अगर ये सब सच है तो कीरा उसके पास मुझसे पहले कैसे पहुँच गया, ये तो बहुत गलत बात हो गई। के बाद एल डिसाइड करता है और कहता है कि अब से हम केवल उन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्हें रे पेनबर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मतलब कि केवल 2 ही लोग और उनकी फैमिली। तो चीफ एल से पूछता है कि ऐसे कौन से 2 लोग हैं। तब एल कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल कितामोरा और उसकी फैमिली, और डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट चीफ यागामी और उनकी फैमिली। एल आगे कहता है कि अब मैं दोनों के ही घर पर सर्विलेंस कैमरास और वायरटेप लगाना चाहता हूँ। यहाँ दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट अपने कंप्यूटर से सारी पुलिस फाइल्स और बाकी जानकारियों को डिलीट कर रहा था ताकि किसी को इसका पता न चल सके, और वो अपने पर्स में कुछ डेथ नोट के पेजेस छुपाता है। तब रियुक उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि लाइट, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, शायद तुम लड़कियों में ज्यादा पॉपुलर होंगे। लाइट कहता है कि यह इंटेलिजेंस और स्किल्स की बात नहीं होती है, यहाँ पर लुक्स काम करता है, और मुझे लगता है कि अपने लुक्स के हिसाब से तो तुम बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं रहे होंगे। उधर आइजावा और मैत्सुरा कहते हैं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, हम सर्विलेंस कैमरा ऑफिसर्स के घर में नहीं लगा सकते, यह सिविल राइट्स के अगेंस्ट होगा, हमारी जॉब चली जाएगी। एल कहता है कि तुम सब अपनी जान खतरे में डाल सकते हो मगर अपनी जॉब नहीं।
इस पर चीफ यागामी कहते हैं कि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों फैमिलीज में से ही कोई कीरा है। तो एल कहता है कि शायद 10 या 5% चांसेस हो। तो मैत्सुरा कहता है कि सिर्फ 5% चांसेस है तो इसके लिए ये करना गलत बात है। तो चीफ कहते हैं कि नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए काफी टाइम हो गया है मगर हमें किसी पर भी शक नहीं हुआ है। इस कंडीशन में यदि 1% भी चांसेस है तो हमें यह मौका नहीं जाने देना चाहिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी फैमिली शक के घेरे में है। इसलिए कैमरा और वायर टेप लगा सकते हो आप लोग। तो एल कहता है कि थैंक यू सर, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। आईजावा कहता है कि चीफ आप ऐसा कैसे परमिशन दे सकते, आपके घर में आपकी वाइफ और डॉटर भी है और कैमरास तो घर में हर हिस्से में लगाए जा सकते हैं। तब चीफ कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और मैं ये सब सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, हमें ये करना ही होगा। एल कहता है कि फैमिली की प्राइवेसी को देखते हुए मैंने सोचा है कि सर्विलेंस कैमरास की सारी फुटेज केवल मैं और चीफ ही देखेंगे। अब एल वातारी से पूछता है कि वायर टेप्स और कैमरास लगाने में कितना टाइम लग सकता है। तब वातारी कहता है कि कल किसी भी टाइम लगा सकते हैं जब घर में कोई फैमिली मेंबर ना हो। अब हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। शाम को वो घर आता है तो उसे डोर लॉक्ड मिलता है, मतलब घर पर कोई नहीं था। एक्स्ट्रा की से वो अंदर आता है। यहाँ पर कैमरास ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके थे। ऊपर जब वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुँचता है, डोर खुलते समय वो हैंडल में कुछ नोटिस करता है और दरवाजा खुलने पर एक पेपर का पीस उसके दरवाजे से नीचे गिर जाता है। लाइट कुछ अजीब महसूस करता है मगर वो नॉर्मल बिहेव करता है और रियू को इग्नोर करता है जैसे कि वो रूम में अकेला है। कुछ देर वो बेड पर लेटा रहता है, फिर रूम से बाहर निकलकर वो पेपर का टुकड़ा वापस डोर में लगा देता है। चीफ ये देखकर हैरान हो जाता है। वह एल से कहता है लाइट ऐसा क्यों कर रहा है, क्या छुपा रहा होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कोई बात है जो मैं नहीं जानता। तब एल कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू सिर्फ 17 साल का है और मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था। क्या तुमने कभी कीरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में उससे कुछ बात की है? तो चीफ कहता है कि नहीं, मैंने उससे कभी कोई चर्चा नहीं की और वैसे भी अब हम सिर्फ डिनर साथ करते हैं, फिर सब अपने अपने रूम में होते हैं। अब लाइट घर से बाहर आ जाता है जहाँ रियू उसके पीछे ही होता है। रियू कंटिन्यूसली उससे बातें कर रहा होता है मगर लाइट अब भी उसे इग्नोर करता रहता है। लाइट अपने कपड़ों को पहले चेक करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे कपड़ों में कोई वायर टेप लगा है, ना ही कोई माइक्रोफोन दिख रहा है। अब वो रियू से कहता है कि रियू मुझे लगता है कि मेरे घर में सर्विलेंस कैमरास और वायर टेप लगाए गए हैं। तो रियू कहता है कि वो पेपर का पीस तो तुम्हारे दरवाजे में लगा ही हुआ मिला था। फिर तो लाइट कहता है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है क्योंकि डोर ओपन करने वाला तो उसे वापस वैसे ही रख देना ना, लेकिन असली टेस्ट तो डोर हैंडल है। जब नॉर्मली डोर को बंद किया जाता है तो बिल्कुल उसका हैंडल ऊपर तक फिट हो जाता है मगर मैं बाहर जाते समय हैंडल को थोड़ा सा झुकाकर छोड़कर आता हूँ। वापस घर आने पर मैं चेक कर लेता हूँ कि वो वैसा ही मिला या नहीं। और आज ये चांसेस थे कि जरूर मेरे रूम में कोई गया था। और तो और मैं दरवाजे के हिंज के पास एक पेंसिल को लगा देता हूँ। जब अनजाने में ही कोई डोर ओपन करता है तो वो पेंसिल टूट जाती है। जब भी मैं घर आता हूँ तो केयरफुली उस पेंसिल को पहले निकाल लेता हूँ, लेकिन आज वो पहले से ही टूटी हुई मिली। तब रियू कहता है कि हाँ मैंने नोटिस किया है। लाइट कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि कोई तो मेरे रूम में गया था। रियू कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो। तब लाइट कहता है कि मेरे फैमिली में से कोई गया होता तो उन्हें वो पेपर का पीस गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे दोबारा वहां नहीं रखते। शक करने वाली बात तो यह है कि किसी ने अपना टाइम निकाल कर उसे वहीं पर रखा जिससे कि मुझे पता नहीं चले कि कोई मेरे रूम में गया था। अब लाइट बुक स्टॉल से कुछ बुक्स खरीद कर घर जाने लगता है। लाइट रियू से कहता है कि रियू ये बताओ कि अब तुम अपने एप्पल्स कैसे खाओगे। तब रियू कहता है कि हाँ लोग तो मुझे देख नहीं सकते लेकिन सर्विलेंस कैमरा में ऐसा लगेगा कि एक एप्पल हवा में उड़ रहा है और फिर अचानक से गायब हो गया। तब लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, शिनिगा में बिना कुछ खाए मर थोड़ी ना जाते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रियू कहता है कि नहीं ऐसा मत कहो लाइट, कि एप्पल्स तो मेरे लिए ठीक वैसा ही जैसे इंसानों के लिए सिगरेट या अल्कोहल होता है, इसके बिना मुझे अलग अलग सिम्टम्स होने लगते हैं। तो लाइट पूछता है कैसे सिम्टम्स। तो रियू कहता है कि मैं ऐसे हैंड स्ट्रेट करता हूँ और उल्टा पुल्टा हो जाता हूँ। तब लाइट कहता है कि रियू मैं पहले ही एल को हिंट दे चुका हूँ कि शिनिगामी एप्पल्स खाते हैं और अब भी अगर तुम एप्पल खाना चाहते हो तो तुम्हें घर का ऐसा कॉर्नर ढूंढना होगा जहाँ पर कैमरा ना हो। इसके लिए तुम्हें सारे कैमरास ढूंढना होंगे, मतलब कि वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल्ड है ये सब। अब लाइट आराम से बैठा अपने कमरे में मैगजीन्स पढ़ रहा होता है। लाइट के डैड यानी चीफ यागामी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लाइट ऐसी मैगजीन्स पढ़ता है। तब एल कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है लेकिन मुझे उस पर डाउट हो रहा है, वो हमें नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ उन्हीं मैगजीन की वजह से वो रूम में इतनी सावधानी बरत रहा है और इसी वजह से वो अपने डोर पर पेपर क्लिप लगाता है। तो चीफ पूछता है कि रियूजा की तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम मेरे बेटे पर शक करते हो। तो एल कहता है कि हाँ
आप ऐसा कह सकते हैं, मुझे शक है, इसी वजह से मैंने तुम्हारे और डिप्टी डायरेक्टर के घर में कैमरा लगवाया है। दूसरी तरफ रियो कैमरास को तलाश कर लेता है। अब लाइट सतर्क रहता है, वो सोचता है कि अगर यह कीरा केस की वजह से है तो मुझे नहीं लगता कि जापानीज पुलिस इतना कुछ कर सकती। इसका मतलब तो यह है कि एल का ही आइडिया हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ करना तो मुश्किल है, इसलिए जरूर उसने उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया है जिन्हें रेप एंबर इन्वेस्टिगेट कर रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस सारी सिचुएशंस के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने ये मैगजीन्स खरीद कर यहाँ छुपाई है। अब डिनर के टाइम लाइट नीचे होता है जहाँ सायू टीवी देख रही थी। अब एल आइजावा को कॉल पर पूछता है कि डिप्टी डायरेक्टर के घर में क्या चल रहा है, तब वो कहते हैं कि वहाँ सब टीवी देख रहे हैं। तब एल कहता है कि टीवी एजेंसी को वो मैसेज टेलीकास्ट करने के लिए कह दो। अब यहाँ सायू वो मैसेज पढ़ती है कि कीरा ने जो मर्डर्स किए हैं उनसे नाराज होकर ICPO ने करीब 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा है। लाइट सोचता है कि लिविंग रूम में भी कैमरास होंगे ही और ये लोग जरूर मुझसे कोई रिएक्शन की उम्मीद कर रहे होंगे, एल ने ये ट्रिक पहले भी कर रखी है। फिर लाइट कहता है कि ICPO तो सचमुच में बेवकूफ है, अगर इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा है तो उसमें अनाउंसमेंट करने वाली कौन सी बात है, ये बात तो सीक्रेट होनी चाहिए थी ना। पहले भी FBI एजेंट्स छुप कर आए थे, फिर भी वे लोग मारे गए, और अब ये लोग बता ही देंगे कि इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं तो उन्हें तो खतरा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि ये बस कीरा को शॉक्ड करने के लिए एक ट्रिक है जिससे कि वो गलती करे और पकड़ा जाए। उधर रियोसाकी कहता है कि चीफ आपका बेटा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब लाइट एक पोटैटो चिप्स का पैकेट लेकर अपने रूम में चला जाता है। वहाँ रियो उससे कहता है कि लाइट मैंने तुम्हारे कमरे के सारे कैमरा ढूंढ लिए हैं, मुझे आज पता चल ही गया कि शिनिगामी भी थक जाते हैं, और अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ पर है। तुम्हारे रूम में करीब 64 कैमराज लगाए गए। तो लाइट सोचता है कि इसके पूरे पूरे चांसेस है कि यह काम एल का ही है, वही इसी चाल चल सकता है। तब रियो कहता है कि इन कैमराज के सामने मैं एप्पल्स कैसे खा सकता हूँ, लेकिन लाइट कोई जवाब नहीं देता है। तब रियो समझ जाता है कि ये बाहर जाकर ही बात करेगा। लाइट सोचता है कि अब पढ़ने का वक्त हो गया है। जहाँ तक एल का सवाल है, मुझे लगता है कि वह कम से कम समय में एक्शन लेना चाहता है, लेकिन मेरी जगह कोई और इंसान होता तो एल से हार मान लेता, मगर एल तुम्हारा सामना मुझसे है। यहाँ पर लाइट पोटैटो चिप्स का पैकेट ओपन करता है तो उसमें कोई चीज चमकती दिखाई देती है। लाइट सोचता है कि मैंने ऑलरेडी डेथ नोट में इतने क्रिमिनल्स के नाम लिख दिए हैं कि अगले 3 हफ्तों तक क्रिमिनल्स मरते रहेंगे, लेकिन कीरा तो ये पहले ही हिंट दे चुका है कि वो क्रिमिनल्स के मरने का टाइम डिसाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से फिलहाल न्यूज में जो क्रिमिनल्स दिखाए जाएंगे मुझे उन्हें मानना होगा, जिनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। रियोक ने एप्पल्स नहीं खाए थे इसलिए उस पर अजीब सिम्टम्स शुरू होने लगते हैं। लाइट सोचता है कि एल अब तुम देखते जाओ, मैं किसे टीवी ब्रॉडकास्ट में दिखाए गए क्रिमिनल्स को मारता हूँ, वो भी अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते। अब हमें चिप्स के पैकेट के अंदर एक मिनी LCD टीवी रखा दिखाया जाता है और एक छोटी पेंसिल और डेथ नोट का पेज। लाइट कहता है कि मैं अपने राइट हैंड से अपना स्टडी वर्क करूंगा और अपने लेफ्ट हैंड से क्रिमिनल्स के नाम लिखूंगा। उधर रियोसा की चीफ यागामी से कहता है कि तुम्हारा बेटा डिनर के बाद पढ़ने चला जाता है और टीवी या कंप्यूटर ऑन नहीं करता। चीफ कहते हैं कि हाँ, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं इसलिए। अब उनके पास वातारी आता है और कहता है कि 9 बजे न्यूज में 2 क्रिमिनल्स का नाम ब्रॉडकास्ट हुआ था और वो दोनों ही हार्ट अटैक से मर गए। उनके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे चार्जेस थे और उनमें से एक ने तो सिर्फ पर्स चुराया था। अब एल कहता है कि चीफ आपकी वाइफ और डॉटर टीवी पर ड्रामा देख रही थी, उसके बाद उन्होंने टीवी बंद कर दिया, और तुम्हारा बेटा 7:30 बजे से 11 बजे तक अपनी पढ़ाई कर रहा है। इस हिसाब से जिसने न्यूज नहीं देखी वो कीरा नहीं हो सकता है। तो चीफ कहता है कि इसका मतलब मेरी फैमिली इनोसेंट है। तब एल कहता है कि वैसे अभी पहला ही दिन हुआ है और अभी तो वो लोग इनोसेंट ही लग रहे हैं। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, लाइट जाग चुका था। उसकी मॉम कहती है कि आज गार्बेज डे है, अपने रूम से गार्बेज ले आओ। लाइट अपना डस्टबिन बाहर देकर अपनी बालकनी में खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। यकीन नहीं हो रहा लाइट कि तुमने इतना महंगा छोटा LCD टीवी ऐसे कूड़े में फेंक दिया। लाइट अब शांति से देखता है कि वह गार्बेज भी अब जा चुका था। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके अगले एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।